हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज मैं एक और नया स्टेटस लेकर आ चुका हूँ, लेकिन ये हमारा साइट पे होने वाला है दोस्तों। ये हमारा साइट स्टेटस होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देते तो आपको इफेक्ट लगाने में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ मैंने किस तरीके का स्टेटस बनाया है। तो दोस्तों, अब प्रीव्यू आप देख चुके हैं मैंने किस तरीके का बनाया है। अगर दोस्तों आप भी उसी तरीके का अपना या किसी और फोटो लगाकर साइड स्टेटस बनाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो उससे पहले दोस्तों, आपको लाइट मोशन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप नहीं डाउनलोड किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए इसे हम ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, आपको करना क्या होगा, प्लस के बगल में एक प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमारा दोस्तों यहाँ पे सॉन्ग बीट मार के, उसके बाद यहाँ पे हमारा सेक इफेक्ट है। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए यहाँ सॉन्ग बीट मार्क पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको फोटो को ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो को ऐड करना होगा, उसके बाद यहाँ पे दो वीडियो क्लिप आपको अब यहाँ पे लगाना होगा। तो उस वीडियो क्लिप का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों फोटो को लगाएंगे। फोटो को किस तरीके से लगाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मीडिया पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों जहाँ भी आप फोटो को रखे हुए हैं आपको फोटो को ले लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं फोटो को रखा हुआ, उसके बाद यहाँ पे फुल स्क्रीन करने के लिए थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों जो बचा हुआ हमारा फोटो का भाग है उसे हम कट कर देंगे। फिर से दोस्तों प्लस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मीडिया पे, और दोस्तों दूसरा फोटो लेंगे। उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों फिर से इसे हम कट कर देंगे। फिर से यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मीडिया पे, उसके बाद दोस्तों दूसरा हम फोटो लेंगे। उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। जो दोस्तों बचा हुआ भाग है हमारा, यहाँ पे क्लिक करके इस साइड का आप कट कर देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ फोटो को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे आपको वीडियो क्लिप लगाना है, ठीक है। तो चलिए उसके साथ मैं आपको वीडियो क्लिप भी लगाकर यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे फोटो को ऐड कर लेता हूँ, तब मैं आगे आपको बताता हूँ किस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं लगा लेता हूँ यहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक मैं वीडियो फोटो लगा लेता हूँ। सो फाइनली दोस्तों यहाँ तक मैंने फोटो को ऐड कर लिया। आप दोस्तों यहाँ पे हम वीडियो क्लिप को लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मीडिया पे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जहाँ भी दोस्तों रखे हुए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड करना। तो चलिए ये वाला, जैसे हमारा ये वाला दोस्तों पहला इफेक्ट है, ठीक है। तो ये वाला पहला हमारा वीडियो इफेक्ट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको करना क्या होगा, यहाँ बीट मार्क तक आना, उसके बाद इस साइड का जो हमारा है उसे कट कर देना है। फिर से यहीं से आपको एक और ऐड करना है, ठीक है। प्लस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मीडिया पे, उसके बाद ये वाला हम, चलिए मैं ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो बचा हुआ हमारा फोटो का वीडियो का भाग है उसे हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से दोस्तों आपको फोटो को ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप दोस्तों इसे फुल स्क्रीन करने के लिए थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसे भी आपको बड़ा कर देना है, यहाँ पे फिल कंपोजिशन एरिया क्लिक कर देना है, इसे फुल स्क्रीन पे कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम फोटो को ऐड करेंगे। तो फोटो को किस तरीके से ऐड करना है ये मैंने बता दिया, तो चलिए सबसे पहले मैं ऐड कर लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फ़ोटो को लगा लिया। अब आपको दोस्तों यहाँ पे इफेक्ट को लगाना है, ठीक है। तो इफेक्ट को किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पे बैक आएंगे, उसके बाद दोस्तों सेक इफेक्ट में जाएंगे, ठीक है। सेक इफेक्ट में जाने के बाद दोस्तों पहला इफेक्ट को कॉपी करेंगे, फोटो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इफेक्ट पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे कॉपी इफेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सॉन्ग बीट मार्क में आएंगे। सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ से दोस्तों आपको पहला वाला इफेक्ट पेस्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ तक आपको पहला इफेक्ट आपको पेस्ट करना है यहाँ तक। तो किस प्रकार से इफेक्ट को पेस्ट करेंगे चलिए मैं आपको बता देता हूँ।
फोटो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इफेक्ट पे, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे पेस्ट इफेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से दूसरे फोटो पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों फोटो पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ तक आपको पहला इफेक्ट लगा लेना है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ तक। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको दूसरा इफेक्ट लगाना है, तो चलिए मैं दूसरा इफेक्ट लगा लेता हूँ दोस्तों, आप कॉपी करके लगा लेना, अगर मैं लगाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं इफेक्ट पे, उसके उसके बाद यहाँ इफेक्ट पे क्लिक करके सी डॉट पे क्लिक करके इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब जाएंगे अपने सॉन्ग बीट मार्क में, सॉन्ग बीट मार्क में दोस्तों जाने के बाद आप यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा इफेक्ट पेस्ट करना है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरा इफेक्ट, आपको यहाँ पे हमारा वीडियो क्लिप है तो यहाँ पे हमारा दूसरा इफेक्ट पेस्ट होगा, तो इस पर फोटो पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करके इसे पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हमारा दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ से आपको यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कौन सा इफेक्ट लगेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको तीसरा इफेक्ट लगेगा। तो चलिए तीसरे इफेक्ट को हम कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद ये हमारा तीसरा है, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे, यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे कॉपी इफेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, जाना है अपने सॉन्ग बीट मार्क में, सॉन्ग बीट मार्क में दोस्तों जाने के बाद अब मैं देख लेता हूँ कहाँ तक मैं लगाया था, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये वाला वीडियो क्लिप है, उसके बाद यहाँ तक से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा तीसरा इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, फोटो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इफेक्ट पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे पेस्ट कर देंगे, फिर से फोटो पे क्लिक करके और यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे पेस्ट कर देना है। तो कुछ इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ तक आपको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों करने के बाद आपको अब चौथा इफेक्ट आपको लगाना है, तो चलिए मैं चौथा इफेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, आप लगा लेना तीसरे इफेक्ट को। तो यहाँ से फोटो पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे अपने सॉन्ग बीट मार्क में, सॉन्ग बीट मार्क में दोस्तों जाने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या होगा, ये वाला इफेक्ट आपको पेस्ट करना है। तो यहाँ से आपको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, नीचे हम यहाँ पे आपको यहाँ से वीडियो के लास्ट तक आपको चौथा इफेक्ट पेस्ट करना है, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ से दोस्तों करना क्या होगा, फोटो पे क्लिक करना होगा, उसके बाद इफेक्ट पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे पेस्ट कर देंगे, फिर से उसके बाद फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आप वीडियो के लास्ट तक इस इफेक्ट को लगा लेना, ठीक है, चौथा वाला। तो आप आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों वीडियो को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, वीडियो वाला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा दोस्तों वीडियो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया दोस्तों, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।